हेलो गाइज, मेरा नाम विभू और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वॉकराउंड रिव्यू करने वाले हैं BMW M340i का। इस वीडियो को पूरा देखना है, फुल डिटेल में वॉकराउंड रिव्यू दूंगा गाड़ी का। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेगी, लगभग 10 मिनट की वीडियो रखेगी जिसके अंदर आपको मैं सारी फीचर्स इस गाड़ी के बताने वाला हूँ। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो 72,90,000 इसका एक्स शोरूम है ऑल इंडिया। ऑन रोड लगभग ये यूपी के अंदर आपको 82 लाख की ऑन रोड कॉस्ट कर जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो भाई, ये है इस गाड़ी का 3000 cc का ऑल व्हील ड्राइव 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 374 bhp की पावर 500 Nm के टॉर्क के साथ। ये गाड़ी जो है ना, 1 करोड़ के अंदर 0 to 100 सबसे फास्टेस्ट कार है, जो कि आपकी 4 सेकंड के अंदर, लगभग 4.4 सेकंड के अंदर 0 to 100 अचीव कर लेती है। तो इंजन आप देख लो कुछ इस तरीके का है। पावर स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है। बोनट के यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह आती है, इतनी महंगी गाड़ी है। तो 340i का इंजन देख लो आप, कुछ इस तरीके का प्लेस करा हुआ है। तो ये तो इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन। अब चलते हैं फ्रंट के फीचर्स की तरफ। तो भाई, ये है इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स, कुछ इस तरीके की मिलती हैं। सामने की तरफ काफ़ी सुंदर सा BMW का लोगो है। फ्रंट ग्रिल जो है, ये देख सकते हैं, आपकी पूरी पियानो ब्लैक BMW सिग्नेचर ग्रिल मिल जाएगी आपको। सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैमरा इसके अंदर मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 130 mm का इस गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक टाइम से वो आपके यहाँ पर डबल प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRLs यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं हेडलैम्प्स की लुक्स कितनी प्यारी और कितनी ज़्यादा शार्प यहाँ पर लुक्स निकल के आ रही है। तो बात करें इस गाड़ी के डायमेंशन की, तो 4709 mm की यहाँ पर लेंथ मिल जाती है, 1827 की यहाँ पर आपको विड्थ मिल जाती है, और 1442 mm की यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको हाइट देखने के लिए मिल जाती है। लगभग इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो है 1745 का, और गाड़ी के अंदर आपको 480 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वो अभी हम आगे चल के बात करेंगे। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल्स की। तो साइड से यहाँ पर गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 130 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अलॉय देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर जो अलॉय का साइज देखने के लिए मिलेगा वो है यहाँ पर 225/40/R19। तो 19 इंच के यहाँ पर अलॉय मिल जाते हैं, और अलॉय का डिज़ाइन भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी देख सकते हैं BMW की, यहाँ पर भी BMW का यहाँ पर भी लोगो है। और ये इसके अंदर गाड़ी के अंदर चारों टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपके BMW के एक हाई परफॉर्मेंस वाले डिस्क ब्रेक्स है। तो ओवरऑल लुक देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फेंडर पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर M की, यहाँ पर BMW की यहाँ पर बैजिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड के ORM जो है ये आपके यहाँ पर देख सकते हैं, 360 डिग्री कैमरा जैसे इस गाड़ी के अंदर आता ही है। तो यहाँ पर इस गाड़ी के वाइपर्स, जो कि आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स है, यहाँ पर साइड के ORM ऑटो एडजस्टेबल फोल्डेबल विद टर्न इंडिकेटर, यहीं पर आपको 360 डिग्री कैमरे का कैमरा भी मिल जाता है। और ORM का डिज़ाइन देख सकते हैं, आजकल जो लोग अपनी छोटी i20 वगैरह में करवाते हैं उस तरीके के डिज़ाइन के यहाँ पर ORM मिलते हैं। बाकी चारों डोर हैंडल्स पर इस गाड़ी के कीलेस एंट्री मिलती है। फ्रंट पे भी, रियर के अंदर भी आप देख सकते हैं, चारों ही हैंडल्स पे आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन। तो ये काफ़ी अलग फीचर है। बी पिलर वगैरह आपको पियानो ब्लैक मिल जाएगा। रूफ में सनरूफ आप देख सकते हैं गाड़ी को, आप में गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ मिल जाएगा। पीछे की तरफ एक शार्फिन एंटीना से थोड़े से अलग डिज़ाइन वाला एक एंटीना मिल जाएगा। और पीछे वाले टायर्स में भी देख सकते हैं आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स के अंदर मिल जाते हैं। बाकी ये इस गाड़ी का 59 लीटर्स का फ्यूल टैंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो आप चलते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। तो बैक से यहाँ पर गाड़ी की लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की निकल के आती है। बाकी टेल लैंप्स वगैरह जो भी है वो आपके यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको फुली LED देखने के लिए मिलते हैं। ये देख सकते हैं इस गाड़ी के टेल लैंप्स, जो कि आपके फुली LED यहाँ पर टेल लैंप्स मिलते हैं। M340i की यहाँ पर बैजिंग देख सकते हैं, BMW का लोगो मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, और यहाँ पर एक देख सकते हैं छोटे से डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर स्पॉइलर इसके अंदर दिया गया है, जो कि काफ़ी गाड़ी की लुक को शार्प बना रहा है। पीछे की तरफ देख सकते हैं डिफ्यूज़र कुछ इस तरीके का मिलता है BMW के अंदर, ओरिजिनल डिफ्यूज़र आप लुक देख सकते हैं। ड्यूअल एग्जॉस्ट यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो कि दोनों ही वर्किंग है। देख सकते हैं दोनों एग्जॉस्ट यहाँ पर वर्किंग है आपकी गाड़ी के अंदर। और पीछे की तरफ जो सेंसर्स मिलते हैं, लगभग 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 सेंसर्स आपको रिवर्स में मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, और 4 सेंसर्स आप लगभग इतने ही सेंसर्स आपको आगे भी देखने के लिए मिलते हैं। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो गाड़ी की देख सकते हैं कुछ इस तरीके की की है, इसके अंदर अनलॉक लॉक बूट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके रखूँ बूट के बटन को, तो देख सकते हैं इस गाड़ी का बूट ओपन यहाँ पर हो चुका है। अब बूट के स्पेस की बात करें तो लगभग इसके अंदर जो आपको बूट स्पेस मिलेगा 480 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इंसुलेशन वगैरह आपको मिल जाती है बूट के नीचे की तरफ भी, और 480 लीटर का बूट स्पेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर आपको साइड में भी कुछ स्पेस दिया गया है, जैसे
कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप कार का शैम्पू वगैरह कुछ सामान इसके अंदर रख सकते हैं। बाकी इसके नीचे मैं दिखाना चाहूँ तो आपको, और इसी के नीचे आपको यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा, बस इसे उठाना पड़ेगा आपको। इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील भी इसका मिल जाएगा। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो यह है इस गाड़ी का फ्रंट डोर, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ब्लैक यहाँ पर गाड़ी का आपको इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। डोर पे यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ पूरा लेदर में है, और यहाँ पर ब्लू कलर की स्टिचिंग दी गई है। डोर आर्मरेस जो है ये भी आपका बिल्कुल सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पर लॉक अनलॉक, यहाँ पर आप जो सीट है टू वे सीट एडजस्टेबल का भी यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे एक तरीके से मेमोरी सीट्स आप बोल सकते हैं, टू यहाँ पर एडजस्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर चारों पावर विंडो का स्विच है, ORM एडजस्टेबल फोल्डेबल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। नीचे बोटर होल्डर का स्पेस मिल जाएगा, कुछ और यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, और यहाँ से आप अपनी गाड़ी का इस गाड़ी के अंदर बूट ओपन कर सकते हैं। स्पीकर्स देख सकते हैं, हार्मन कार्डन की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। गाड़ी के अंदर आपको 8 स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये इस गाड़ी का इंटीरियर। BMW की स्किप प्लेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर, और बाकी इंटीरियर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की यहाँ पर डिजाइन के अंदर सीट्स दी गई है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स है, और यहाँ पर मसाजर का भी ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। बाकी सीट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं थाई सपोर्ट भी अलग से दिया गया है इसके अंदर, और ये देख सकते हैं बीच में यहाँ पर देख सकते हैं एक तरीके से फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का फैब्रिक है एक तरीके से, और साइड में लेदराइज है क्योंकि स्वेटिंग वगैरह होती है, उसी वजह से कंपनी यहाँ पर आपको फैब्रिक प्रोवाइड कर रही है। तो भाई ये है इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील, जो कि आपको कुछ इस तरीके का मिलता है राउंड शेप के अंदर। सामने की तरफ सकते हैं यहाँ पर हॉर्न के साइड में भी पूरा लेदर दिया गया है। BMW की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, और राइट हैंड साइड में देख सकते हैं MID के कंट्रोल्स है, कुछ कॉल कनेक्ट वगैरह के फीचर्स यहाँ पर इसके अंदर दिए गए हैं। स्टेयरिंग जो है वो आपका यहाँ पर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टेबल के साथ मिल जाता है। बाकी इसके अंदर आपको देख सकते हैं कितनी बड़े साइज की यहाँ पर MID देखने के लिए मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका इसका फुली LED है, देख सकते हैं बिल्कुल जो इसके म्यूजिक सिस्टम है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें कोई भी पैनल गैप वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं है, दोनों है ना एक तरीके से मर्ज करके इसके अंदर दिए हुए है। कुछ हो जाएगा किस साइज का ये यहाँ पर है, पर इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब एक तरीके से देखोगे तो फीचर्स इसके अंदर दुनिया भर के फीचर्स इसके अंदर दिए है कंपनी ने। राइट हैंड साइड में यहाँ पर AC वेंट्स के यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हैं, AC वेंट्स का कुछ इस तरीके का इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर ऑटो वगैरह के यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स और दिए गए। पैडल्स आप देख सकते हैं इस गाड़ी के, यहाँ से आप इस गाड़ी का दो बार अगर आप इसे पुल करोगे तो इसका जो है ना बोनट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पैडल्स, यहाँ पर डेड पैडल मिल जाएगा। इसके पैडल्स भी देख सकते हैं बिल्कुल स्पोर्टी वाले इसके अंदर दिए गए हैं, और बाकी इंस्ट्रूमेंट, बाकी इसका गाड़ी के अंदर आपको जो यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम मिलता है देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर 2-zone AC क्लाइमेट कंट्रोल 2-zone मिल जाता है। यहाँ पर ऑटो डिम IR भी मिल जाता है। रूफ में देख सकते हैं कितनी डिज़ाइन में वो दिए गए हैं। ऊपर की तरफ SOS की यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, और गाड़ी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ड्राइवर साइड पर यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट, कोपेंसर साइड पर भी वैनिटी मिरर यहाँ पर मिल जाता है। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर चारों ही डोर्स पे मिलते हैं, ड्राइवर साइड पे भी मिल जाता है। बाकी AC वेंट्स वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा। वॉल्यूम के यहाँ पर नोब देख सकते हैं, इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी वॉल्यूम का एक स्पेसिफिक नोब दिया गया है जिससे आप अपने म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और स्पेस दिया गया है जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर USB पोर्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इसके अंदर भी दिया गया है, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी चाबी रखी है कुछ इस तरीके की। ऑप्शन मिल जाए ऑटो हैंडब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो होल्ड, इको, कंफर्ट, ये तीन तरीके के यहाँ पर इसके अंदर मोड्स इसके अंदर दिए गए हैं, स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इको। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके के मीडिया कंट्रोल इसके अंदर दिया गया। कहीं यहीं से अपने आप म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, टच से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पहले टच नहीं आती थी तब ये चीज़ मिलती थी, पर अभी भी कंपनी ने ये चीज़ कंटिन्यू रखी है एक तरीके से कि टच तो दे ही दिया है, साथ में अभी ये वाले बटन्स भी वर्क कर रहे हैं, और यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं इसका आर्मरेस्ट है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस, और टाइप सी पोर्ट्स के अंदर दिया गया है। टाइप सी पोर्ट से क्या होगा, आप अपने कोई भी ईयरबड्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं, फ़ोन अंदर रख के चार्ज कर सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। और बाकी ये है इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स, काफ़ी अच्छे साइज का ग्लव बॉक्स है। इसके अंदर भी देख सकते हैं इंसुलेशन कितनी अच्छी दी गई गाड़ी के अंदर, यहाँ पर भी पूरे में इंसुलेशन है जिससे गाड़ी के अंदर कोई भी नॉइज़ वगैरह ना आए।
ये देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट, इसके अंदर आपको कलर चेंजेबल यहाँ पर आपको इसके अंदर एम्बिएंट लाइट देखने के लिए मिल जाती है। डोर्स के अंदर भी देख सकते हैं, हपर भी दी गई है, और गाड़ी के अंदर एयरबैग्स वगैरह देख सकते हैं, फुली लोडेड एयरबैग्स के साथ गाड़ी आती है। सनरूफ देख सकते हैं, सनरूफ मैं आपको एक बार दिखवा भी देता हूँ, सनरूफ कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। जो इसका ये चीज़ है ना, ये भी बटन से ही पीछे की तरफ जाते हैं, आपको मैन्युअली नहीं करना होगा, ये भी आपके बटन से। अब एक बार और ओपन करूँगा तो इस गाड़ी का सनरूफ भी ओपन हो जाएगा। अब चलते एक बार रियर सीट की तरफ। तो भाई ये है इसका रियर का डोर, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, पूरा सॉफ्ट टच है। डोर ओपन मिल जाएगा, एक पावर विंडो स्विच मिल जाएगा, हार्मन कार्डियन की बैजिंग मिल जाएगी, स्पीकर में ट्विटर यहाँ पर इसके अंदर मिल जाता है, और यहाँ पर बोटल होल्डर का स्पेस, और कुछ यहाँ पर न्यूज़ होल्डर वगैरह भी, न्यूज़ वगैरह होल्डर भी लगा सकते हैं। रियर का स्पेस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, रियर का स्पेस है। थ्री एडजस्टेबल यहाँ पर आपको हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके अंदर, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट यहाँ पर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको दो कप होल्डर का स्पेस मिल जाएगा। और रियर में एसी वेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, यहाँ पर ऑटो एसी का फीचर पीछे की तरफ भी दिया गया है, और यहाँ पर ड्राइवर साइड और कोपेशन साइड दोनों ही तरफ आपको मैगजीन होल्डर टाइप का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और बाकी रियर से यहाँ पर इंटीरियर की लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इंटीरियर लगता है इसका। यही था आज का एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू BMW M340i का। कोई वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आगे भी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।